हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सब देख सकते हो मैंने अपने बाल को वॉश कर लिया है और यहाँ पर कंघी भी कर ली है। अब वीडियो में कोई कोई पर्सन रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्रंट के बाल पता नहीं कैसे बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। देखो मैंने आज मांग भी निकाल दिए, आपके सामने निकाल दिए ना कि ऐसे हम फ्रंट के बाल मतलब कि मांग निकालते हैं। और आप देख सकते हो मेरे बाल इतने अच्छे हो गए हैं। तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो एक ऐसी रिक्वेस्ट कीजिए जो हम पूरी कर सकते हैं। हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और पहली बार चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। क्योंकि देखिए, अगर आप अच्छी रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छी रिक्वेस्ट अगर हमें लगती है और हमें लगता है कि सही है, क्योंकि हम भी घर परिवार वाले इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सब वीडियो देखते हैं। आप सब प्लीज़ आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो को रिक्वेस्ट करनी है तो अच्छी रिक्वेस्ट। अगर आप अपनी रेस्पेक्ट चाहते हो तो दूसरे की रेस्पेक्ट भी करना सीखिए। तो बस यही आपसे कहना था। और मैंने अपनी हेयर वॉश कर ली है और आप मेरे बालों को देख सकते हो। पहले मैंने अच्छे से ऑयलिंग की थी बालों की, और ये मैं ज़रूर करती हूँ। हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग अपने बालों की ज़रूर करती हूँ। उससे मेरे बालों की जड़ें ना काफ़ी मजबूत होती हैं और घने भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए मैं दिखाती हूँ कि अपने मैं बालों की आज मसाज करने वाली हूँ वो किस चीज़ से करने वाली। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्याज ले लिया है छीलकर। छोटा प्याज इसलिए लिया है क्योंकि मैं हाथ के हाथ जो रेमेडी बनाती हूँ तुरंत उसे अप्लाई करती हूँ, अपने बालों पर स्टोर करके कभी नहीं रखती हूँ। इसलिए मैंने छोटा सा प्याज लिया है और इसे मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। और अगर आपके पास ग्राइंड मिक्सर है यानी कि मिक्सी मशीन है तो आप उससे ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन मुझे जल्दी थी तो यहाँ पर मैं चाय छानने में इसे अच्छे से दबा दबा कर इसका पेस्ट यानी कि जूस रस जो है प्याज का वो निकाल लेती हूँ। और जो मैंने तेल लिया है कटोरी में, ये तेल हमें गुनगुना लेना है, गर्म नहीं, गुनगुना तेल लेना है। और इसे मैं अच्छे से हाथ से मिला लेती हूँ, आप चाहे तो चम्मच की सहायता से भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसका पेस्ट कुछ ऐसा बन जाता है, थोड़ा ठीक यानी कि मोटा हो जाता है ये अच्छे से। और इसे हमें अपने बालों में अब अप्लाई कर लेना है, और वो मैं दिखाती हूँ आपको बालों में अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बालों में जो हमारे रूखापन आता है, डैंड्रफ वगैरह होता है या हेयर फॉल झड़ने की समस्या जो होती है हमारे बालों में, वो सब इससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। काफ़ी हद तक क्या 99% इसे ठीक हो जाती है ओनियन से। यानी कि आप देखते भी होंगे कि बाहर बाजार में जाकर दुनिया कितने महंगे महंगे शैम्पू तेल खरीद के लाती है प्याज के, लेकिन अगर प्याज वही प्याज हमारे किचन में अवेलेबल है तो क्यों ना हम उसी का डायरेक्ट यूज अपने बालों में कर लें, जो ज़्यादा फायदेमंद होता है और नेचुरल भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जड़ों से लेकर सिरों तक हमें इससे अपने बालों की मालिश करनी है, यानी कि ओनियन के तेल से। और यही सब नेचुरल रेमेडी मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ, यानी कि आपको दिखाने के लिए कि कैसे मैं अपने बालों की देखभाल करती हूँ। और सच में ही कहूँ तो मैं अपने से ज़्यादा अपने बालों की केयर करती हूँ, और करनी भी चाहिए क्योंकि बालों से ही सबकी सुंदरता होती है। और आजकल हेयर फॉल की और गंजेपन की समस्या दुनिया में बहुत बढ़ रही है, तो इसी चक्कर से डर भी लगता है। तो क्यों ना अपने बालों की देखभाल की जाए ताकि वो हमारे बाल सर पर लगे रहें। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों की अच्छे से मसाज कर ली थी, और अब मैं बना लेती हूँ इसका जूड़ा, क्योंकि फिर मुझे करने हैं बाकी के काम, जितने भी मेरे काम बाकी हैं। कपड़े धो सकते हो, बर्तन मान सकते हो, जो भी आपको करना है काम वो आप सब कर सकते हो। तो 1 घंटा मैंने लगा के रखा था ये ओनियन और तेल जो मैंने बनाया था, और उसके बाद मैं अपना हेयर वॉश करने के लिए आ गई थी। तो बाहर कुछ चिनाई वगैरह काम चला, यानी घर मकान बन रहा है किसी के, तो थोड़ी बहुत अगर आवाज़ भी आपको आ रही होगी तो इग्नोर कीजिएगा और वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जैसे बताती हूँ कि बालों में शैम्पू को डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए, वही मैं हर वीडियो में बताती हूँ और मैं नहीं डालती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि डायरेक्ट शैम्पू डालने से हमारे बालों में काफ़ी हद तक शैम्पू बालों की जड़ों में जाकर फंस जाता है, जो नहीं निकलता है अच्छे से। और हम लोग ज़्यादा अच्छे से बाल वॉश भी नहीं करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाला इधर उधर करा, 2-4 मिनट के हेयर वॉश हो गए, लेकिन बालों में जो शैम्पू चिपक जाता है जाकर वो हमारा नहीं निकलता, जिससे भी हमें हेयर फॉल की समस्या होने लगती है, डैंड्रफ की समस्या होने लगती है, खुजली की समस्या होने लगती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि शैम्पू को डायरेक्ट कभी नहीं डालना है, और अच्छे से अपने बालों को
वॉश करना है खूब अच्छे से पानी डाल डाल कर। तो यहीं पर मैं अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ जब तक इनका पूरी तरीके से शैम्पू बाहर नहीं निकल जाता। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ हेयर केयर की और मेकअप की भी बनाती हूँ और बाकी विषय पर भी बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी कॉल पर दबाकर सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले। आप ही लोगों के लिए मैं ये सब वीडियो बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी और जाती मैं छत पे बाल सुखाने के लिए, लेकिन छत पे धूप इतनी तेज़ थी कि मैं फिर रुक गई यहीं पर ऊपर, ज़्यादा छत पे बाहर नहीं गई थी, काफ़ी तेज़ धूप थी, धूप में खड़ा नहीं होया जाता तो इसीलिए। और यहाँ पर आपके सामने देखिए मैं अपने हेयर ओपन कर रही हूँ टॉवल से, जो मैंने टॉवल से ये सब ढक के रख रखे थे, बांध के रख रखे थे अपने बाल, अभी भी इनमें थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा है लेकिन इसे मैं हल्के हाथों से झटक देती हूँ। ज़्यादा तेज तेज से नहीं झटकना है, नॉर्मल झटकना है धीरे धीरे, देखिए गीले बालों की जड़ कमज़ोर रहती है इसीलिए हमें तेज से नहीं झटकना है। ज़्यादा नहीं झटकूँगी, दो चार बार झटके थे तौलिया से बाल मैंने अपने, और फिर आप देख सकते हो छोड़ देते थोड़ी नॉर्मल हवा में सूखने के लिए। नेचुरली सुखाने चाहिए बालों को, कभी ड्रायर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे भी हमारा हेयर फॉल बढ़ता है, तो इसीलिए मैं कभी भी ड्रायर नहीं लगाती हूँ अपने बालों में, डायरेक्ट ऐसे नेचुरल हवा में छोड़ देती हूँ सूखने के लिए। चाहे बाल झड़ते भी नहीं, मेरे बाल तो झड़ ही नहीं रहे हैं। तो वैसे देखिए नॉर्मल अगर 10 से 20 बाल झड़ते हैं तो वो नॉर्मल में आते हैं, क्योंकि बाल झड़ना स्वाभाविक है, कुदरती होता है। क्यों? क्योंकि जो बाल हमारे मर जाते हैं यानी कि बूढ़े बाल हो जाते हैं तो उन्हें तो गिरना है ही है। अब आप कुछ भी चीज़ देखो, पेड़ से पत्ते देखो, फूल देखो, या फिर खुद इंसान को ही देखो, जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसे जाना ही पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग इस टेंशन में मत रहिएगा कि आपके 10 बाल झड़ गए हैं, 20 बाल झड़ गए हैं, ये नॉर्मल होता है। और जो बाल हमारे बूढ़े हो चुके होते हैं जिन्हें गिरना होता है वो गिरते ही हैं। अगर हमारे 10-20 बाल गिरते हैं तो उसी की जगह जहाँ से वो बाल गिरते हैं, जिन जड़ों से वो निकल जाते हैं, वहीं पर हमारे छोटे 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 जैसे पौधे जमते हैं ना, उसी तरीके से हमारे हेयर भी जमने शुरू हो जाते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बालों की अच्छे से केयर करनी है, जैसे हम अपनी केयर करते हैं, अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो उसी तरीके से हमें अपने बालों की भी केयर करनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, टाटा।